जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और लेट्स सी कि 15 की एनर्जी कैसे रहने वाली है हफ्ते का लास्ट दिन सैटरडे, और लेट्स सी शनिवार जो है वो क्या लेकर आने वाला है, शनि का वार। और 15th की एनर्जी है, सो 647 की एनर्जी है, 6410 भी बनता है तो 17 भी बनता है। लेट्स सी क्या लेकर आता है 15th ऑफ अप्रैल, राइट, राधे कृष्णा। 15th ऑफ अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। देश और दुनिया के लिए 15th ऑफ अप्रैल क्या लेकर आने वाला है। सो देश और दुनिया के लिए 15th ऑफ अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी 15th की कैसी होने वाली है। और मैं मंथली प्रेडिक्शंस भी एक दो दिन में शुरू कर दूंगी, तो फिर आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेट्स सी 15th की ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो एंड मैसेज, गाइडेंस और मैसेज 15th ऑफ अप्रैल के लिए। काली माँ, 15th of April, ओके, सो वी हैव द मैसेज ऑल्सो। चलो, सो देखते हैं कि पहले एनर्जी कैसी रहने वाली है 15th of April की। तो पहला कार्ड यहाँ पर मुझे टेम्प्रेस का दिखाई दे रहा है। टेम्प्रेस जो है वो बैलेंस बोलता है, वो बैलेंस की बात करता है, और वो बोलता है कि बैलेंस्ड होना, खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो 9 of Cups का कार्ड है, विच इज़ सेलिब्रेशन, तो और या विश फुलफिलमेंट। और अगर आप देखें तो वो डांस कर रही है, और यहाँ पर भी आप 9-4 की एनर्जी या 4-9 की एनर्जी देख सकते हो, बट साथ में वो बोल रहा है, वो कार्ड बोल रहा है कि जब आप एक पैर पे खड़े होते हो, कोई टास्क करते हो, कोई शी इज डूइंग बैले, और बैले में बिल्कुल पैर के टो पे खड़े होना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, ऐसे नहीं हो सकता है। और टेम्परेंस कार्ड में नीचे के कप से पानी ऊपर के कप में जाता है, तो दैट्स ऑल्सो समथिंग जो नॉर्मली नेचुरली बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के या बिना किसी टेक्निक के नहीं हो सकता है। तो दिस इज लाइक लर्निंग अ टेक्निक, लेकिन टेक्निक किस चीज के लिए सीखनी है। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर डेविल का। सो अगर आप डेविल एनर्जी से दूर रहना चाहते हो, डेविल के जाल में नहीं फंसना चाहते हो, डेविल के सिचुएशंस में, डेविल की एनर्जी में स्टक नहीं होना चाहते हो, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। और उस बैलेंस को रखने की और उस बैलेंस को कंटिन्यू रखने की, उस बैलेंस के लिए कमिटेड रखने की अपने आप को वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और अगर आप सीखते हैं तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपके साथ रहेगी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 15th की जो एनर्जी है उसमें डेविल जो है या नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव है, नेगेटिव वॉइसेस हैं, नेगेटिव एक्शंस हैं, नेगेटिव चीज, नेगेटिव लोग, वो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी हावी होने की कोशिश कर सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी हावी हो सकती है, मैं बोलूँगी हावी होने की कोशिश कर सकती है। पर अगर आप अपने आप में बैलेंस्ड हो, अगर आप अपने बैलेंस जो बैलेंस रखना है अपने आप को, उसको आपने उस पर फोकस किया है, उसको लर्न किया है, उसको सीखा है, और उस टेक्निक को आप फॉलो करते हो, तो डेविल एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसीलिए 15th का दिन जो है वो खुद को बैलेंस रखने का, 15th का दिन जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करने का, अपनी प्रैक्टिसेस को चेक करने का डेफिनेटली है। तो आपका टेस्ट ऑफ योर अवेकनिंग या आपके अभी तक के बैलेंस का टेस्ट जो है, अभी तक आपने जो भी सीखा है उसका टेस्ट जो है वो 15 को हो सकता है। और ये लिटरली कोई सिचुएशन हो सकती है, जो जॉब फ्रंट पे आ जाए, जो घर पे आ जाए, जो रिलेशनशिप्स में आ जाए, जो अपनी इंटरनली आ जाए, जो एक्सटर्नल कोई न्यूज़ सुन के आ जाए, जहां पर आप सडनली फील करो स्टक, सडनली फील करो ये क्या हो गया, एंड देन यू गेट बैक टू योर बैलेंस, एंड देन द मोमेंट आप अपने बैलेंस में आओ, यू डांस विद हैप्पीनेस, क्योंकि वो चीज़ की असली जो एनर्जी है वो आपके सामने आ जाएगी। एडिक्शन से बहुत दूर रहना है 15th के दिन। कोई भी ऐसी चीज़ जो एडिक्टिव है या जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको पता है नुकसानदायक है, वो बिल्कुल नहीं करनी है। पानी की, पानी का इनपुट, पानी अच्छे से पीना है, और अपनी लेग्स का ध्यान रखना है, थोड़ा सा चलते फिरते ट्रिप होने की एनर्जी है। दूसरा कार्ड यहाँ पर देश और दुनिया के लिए अगर हम बात करें, तो पहला कार्ड हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट ट्रस्ट होता है, लीडर्स होता है, फेथ होता है, और अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो मिरेकल्स हो सकती हैं, वो एनर्जी हायरोफेंट लेकर आता है। और दूसरा कार्ड जो है 8 of Cups का की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं
इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए भी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है। यहाँ पर मुझे चाइना और बॉर्डर, इन दोनों की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो यहाँ चाइना अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर्स पे कोई एक्शन करने की कोशिश कर सकता है, तो वो एनर्जी लग रही है। स्ट्रांग लीडरशिप डिसीजंस लग रहे हैं और किसी चीज़ को लेट गो करना, किसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लेना, वो एनर्जी लग रही है। तो मुझे लगता है ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड्स या देश के लिए भी कुछ बड़े स्टेप हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े वेंचर से अपने आप को बाहर निकाल लिया जाए या कुछ बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ देश अपने आप को बाहर निकालें। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी टावर की है, फिर से मार्स की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, सारी एनर्जीज एक साथ यहाँ पर बंच में इकट्ठी हो गई हैं। कैप्रिकॉर्न है तो सैटर्न एनर्जी है, एरीज है तो मार्स एनर्जी है, स्कॉर्पियो है तो ऑटोमेटिकली मार्स एनर्जी है। सो मार्स और सैटर्न दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे एक साथ दिखाई दे रही है। एंड मैंने पहले भी बोला मार्स और सैटर्न हो तो बेसिकली क्या होता है, सैटर्न स्लो करना चाहता है, मार्स फास्ट करना चाहता है। सडन इफेक्ट, सडन चेंज, सडन अवेकनिंग, सडन एक्शन जो एक्चुअली नई तरह से चीज़ों को देखने का नज़रिया दे दे, सडन फॉल आउट, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और टावर की एनर्जी है एनी विच वेज टावर, वैसे ही कोई ना कोई ऐसी एनर्जी बताता है जहाँ सडन फॉल आउट हो जाए, सडन कुछ बदल जाए, सडनली कोई एक्शन ले लिया जाए, सडनली कोई बड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर डेविल के फेल होने की एनर्जी तभी है क्योंकि जब टावर गिरता है तो उसके बाद एक नई बिगनिंग होती है, एक नई शुरुआत होती है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई बड़ा एक्शन हो रहा है और उसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ उसी की तरफ देख रहे हैं और वहां से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दूसरी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। तो डेफिनेटली एनर्जी पावरफुल है, स्ट्रांग है और कुछ बड़ा, कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है जो काफी बड़ा हो और उसका मेजर इम्पैक्ट बहुत मेजर हो। ये साथ में मुझे थोड़ा सा नेचुरल कैलामिटी की एनर्जी भी देते हैं क्योंकि यहाँ पानी भरा है, यहाँ पर कोई जा रहा है किस जगह को छोड़कर, यहाँ पर टावर है तो थोड़ा नेचुरल कैलामिटी की एनर्जी दिखती है। लेट्स सी मैसेज क्या है। मैसेज जो है, गाइडेंस जो है, वो दुर्गा कालिका का कार्ड है और वो बोलता है कि जब सिचुएशंस अनयूजुअली चैलेंजिंग होती हैं तो जिस तरह से हम नॉर्मल ऑर्डिनरी टाइम्स में हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो इनसफिशियंट होता है, वो काम नहीं करता है। और इसीलिए हमें डिवाइन इंस्पिरेशन, प्रोटेक्शन और नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए ओपन रहना चाहिए। और यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का पोर्टेंट आपको मिलता है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस जो है ओपन होती है। और अगर ऐसा लगे कि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है तो भी चीज़ें आपके फेवर में बहुत जल्दी हो जाएंगी, तो घबराना नहीं है। और लिटरली वही दिन है, मतलब अचानक ऐसा लग सकता है कि दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई, अचानक से ऐसा लग सकता है कि सब खत्म हो रहा है, सब गिर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत सारी थॉट्स आ सकती हैं। बट एक्चुअली अल्टीमेटली सब कुछ आपके विश फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है और रिजल्ट जो है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस रखिएगा 747 और अगर हो सके तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।